हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अभिषेक में। और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में एक बहुत बड़ी चीज आपको बताने वाला हूं। और जैसे कि आप जानते हैं कि ट्यूबवेल ऑपरेटर की वैकेंसी निकलने से लेके उसके एग्जाम के आंसर की से लेके साथ ही साथ उसके कट ऑफ और अभी तक के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के पर्पज से मैंने सारे वीडियो आपको प्रोवाइड किए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि जो इनका कमीशन का आपका जो क्लेरिफिकेशन था वो अगस्त तक आपके डीवी के साथ साथ में आपका पूरा वो हो जाना था, अगस्त लास्ट तक आपका पूरा ज्वाइनिंग हो जानी थी, लेकिन अभी ढेर सारी प्रॉब्लम की वजह से इसमें अभी तक लेट लतीफी की जा रही है। और इनफैक्ट जो इन्होंने टारगेट किया है कि जैसा कि मैंने कई सारे अपने पीछे वीडियो में बताया हूं और आयोग से मेरी बात जो भी हुई है, तो उनके अकॉर्डिंग जो पता चला है कि सितंबर लास्ट तक आपका डीवी का रिजल्ट आएगा, फिर अक्टूबर में आपकी ज्वाइनिंग होगी। कुल मिला के ये प्रोसेस काफी लेट किया जा रहा है। और फ्रेंड्स, एक वीडियो में मैं पर्टिकुलरली ढेर सारे स्टूडेंट का कमेंट्स आया था कि वो 16 तारीख को, जी हाँ फ्रेंड्स, इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें ढेर सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जिनका मैकेनिक्स है, जिनका सीओए सर्टिफिकेट है, जिन्होंने प्रोविजनल जमा किया है या कुछ भी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से उनके सेलेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, जिनके डीवी फाइनल रिजल्ट में प्रॉब्लम आने वाली, क्योंकि फ्रेंड्स अगर डीवी का रिजल्ट आ जाएगा और आप उससे बाहर होते हो तो ये आपके लिए प्रॉब्लम होगी। इस वजह से आप चीजों को पहले क्लेरिफाई कर लो कि सर आप डिसीजन क्या लेने वाले हो या हमारी तरफ से सबमिट किए गए जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें क्या इश्यूज होने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, 16 तारीख को ढेर सारे स्टूडेंट का मैसेज आ रहा है कि सर हम लोग 16 तारीख को वहां पे जाने वाले हैं और ढेर सारी संख्या में जाने वाले हैं। देखिए, धरना वरना का कोई भी प्रोविजन नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से आप सभी को चेयरमैन सर से बात करनी है और इन सारे प्रोविजन को आपको पहले से जानना होगा, ठीक है। कि मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी व्यूअर्स मेरे चैनल को देख रहे हैं और ढेर सारे स्टूडेंट के साथ में शेयर करें ताकि 16 तारीख को एक ढेर सारी संख्या में, क्योंकि छोटे एक दो लोग जाने से चीजों को क्लेरिफाई नहीं किया जा सर, मैंने कई सारे लोगों को भेजा है तो डिफरेंट इश्यूज आ रहे हैं उसमें, तो आप ढेर सारी संख्या में जाओगे तो एक थोड़ा सा वो दबाव बनेगा ताकि आपका रिजल्ट, ठीक है फ्रेंड्स, आपका रिजल्ट थोड़ा जल्दी से क्लियर हो जाए क्योंकि इसमें ऑलरेडी 2016 से लेकर अभी तक साढ़े तीन साल का टाइम लग चुका है। तो ढेर सारे स्टूडेंट इच्छुक हैं कि जल्दी से उनकी ज्वाइनिंग वगैरह कराई जाए। इसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना होगा, तो प्लीज 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 एक रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी से कि ढेर सारी संख्या में लोग जाएं और अपने जो भी प्रॉब्लम है वो एक ग्रुप में सबको शेयर कर दें। एक दो स्टूडेंट्स वहां पे जाके चेयरमैन सर से बात करेंगे। मैं पूरी कोशिश करता हूं, अगर मैं खाली होता हूं, काफी बिजी शेड्यूल चल रहा है मेरा, अगर मैं खाली होता हूं मैं खुद आऊंगा वहां पे आप सबके साथ में। अगर नहीं आ पाता तो प्लीज मैक्सिमम संख्या में आप वहां पे पहुंचे और अपनी बातों को रखें और पूरी क्लेरिफिकेशन करके तब वहां से आए कि सर हम लोग की ज्वाइनिंग फाइनली कब हो जाएगी और क्या क्या चीजें होगी, अभी भी क्या इश्यूज आ रहे हैं और हम लोग का हो पाए इन्हें जो मैकेनिकल वाले हैं, मैकेनिक्स वाले हैं, इन सब लोगों का, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी ट्रिपल एस से रिलेटेड किसी भी जानकारी को इंस्टेंट अपने चैनल पे अपने मोबाइल पे पाना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।